स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन ईडी ट्यूटोरियल टूडे वी स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन रिवेटिंग रिवेट इन में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होता है उसके बारे में आज के लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या यूज होता है देखो द फर्स्ट इज पिच वॉट इज पिच द डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स कमिंग इन वन लाइन इज नोन एज पिच इट इज डिनोटेड बाई पी मोस्टली पिच डिस्टेंस रिमेन्स इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ रिवेट डायम यहाँ पे क्या कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू रिवेट्स यहां आप देखिए मैंने एक रिवेट बना के रख दिया यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक प्लेट है दूसरा प्लेट हमारा ये है ठीक है एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप है दैट इज अ लैप ज्वाइंट ठीक है अब एक प्लेट दूसरे प्लेट्स के ऊपर जब होता है हमारे रिवेटिंग में जो हम सीखेंगे एक जो हमारा बेस है एक बेस के ऊपर दूसरे बेस को हम क्या कराते हैं लैप ज्वाइन कराते हैं है ना तो इसके लिए देखो ये जो रिवेट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस रिवेट के जो इस वाले रिवेट का जो सेंटर पॉइंट है डाया की जो सेंटर लाइन है और इस वाले रिवेट को जो डाया के सेंटर लाइन है इसके बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज पिच दैट इज डिनोटेड बाई पी देखो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये पी से डिनोटेड है ठीक है और ये इसे कहते हैं पिच पिच का जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो होता है थ्री इंटू डी यानी कि डायमीटर जितना होता है उसका तीन गुना होता है देखो वही इसमें था कि मोस्टली पिच डिस्टेंस रिमेन्स इक्वल टू थ्राइस थ्री थ्री टाइम्स ऑफ द रिवर डाया जो हमारा यहाँ पे रिवेट डाया है रिवेट डाया के तीन गुना होता है वो लैप ज्वाइंट के लिए भी और बड ज्वाइंट के लिए भी ठीक है नेक्स्ट द नेक्स्ट इज आवर बैक पिच बैक पिच किसे कहते हैं इट इज द डिस्टेंस ये डिस्टेंस है मेजर्ड पैरल टू मिडल लिमिट ऑफ एडजस्टेंट डिवाइस ऑफ एक्सीस ऑफ रिवेट्स यूज इन मोर देन वन रो इन इट इज डिनोटेड बाई पी बी क्या है बैक पिच बैक पिच किसे कहते हैं ये देखिए ये एक रिवेट दूसरे एक जॉइंट के ऊपर दूसरा जॉइंट जो भी हमारा यहाँ पे है इस वाले एक तो इस वाले डिबेट का जो कॉलम है और एक इस वाले डिबेट का कॉलम है ये जो दो एडजस्टिन कॉलम है इस एडजस्टिन कॉलम के जो बीच के जो डिस्टेंस है इस वाले और इस वाले देखो ये पैरल लाइन जा रहा है पैरल लाइन के जो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की यानी कि इस वाले सेंटर लाइन से रिवेट के सेंटर लाइन से इस वाले सेंटर लाइन तक की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड दी बी यानी कि बैक ऑफ पिच बैकअप पिच का जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो चेन जो आ, हमारा जो चेन वाला है चेन के लिए होता है टू डी प्लस सिक्स और जिक्सैक के लिए होता है टू डी ठीक है द नेक्स्ट इज डायगोनल पिच आप यहाँ पे देख रहे हो डायगोनल पिच का मैंने ड्रॉइंग कर रखा है अब इसे कहते, पहले ये देख लो डायगोनल पिच किसे कहते हैं डायगेल पिच किसे कहते हैं डायगेल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ रिवेट्स दो रिवेट्स के जो हमारा रिवेट्स है दो रिबेट्स के जो सेंटर पॉइंट्स है जो क्या करते हैं ना, यूज टू सेम प्लेट इज नोन एज डायगे पेज इट इज डिनोटेड बाई पी इन टू डी यानी कि पी बड़ा है स्ट्राफिक्स में डी लिख देना ठीक है यहाँ पे आप आ जाइए देखिए ये जो हमने यहाँ पे एक ज्वाइंट जो दिखाई मैंने इस वाले ज्वाइंट के देखिए ये एक जिग्जैक्ट ज्वाइंट है क्यों यहाँ पे देखो तीन रिवेट है तीन रिवेट के बीच में दो रिवेट है यानी कि ये एक जिग्सैग ज्वाइंट है इस जिग्सैग ज्वाइंट में इसका इस वाले रिवेट का जो सेंटर लाइन है और इस वाले रिवेट का जो सेंटर लाइन है दोनों रिबेट के सेंटर लाइन से जो शुरुआत के दो है दो रिवेट के जो सेंटर लाइन है इसे कहते हैं यहाँ पे डायगेल पिच देखो ये डायगनल जा रहा है है ना इस वाले रिवेट के मैंने फिर क्या कही और एक बार बता रही हूँ ये जो रिबेट है यहाँ जो दो रिबेट है दो रिबेट के सेंटर लाइन और ये जो तीन रिबेट है तीन रिबेट के जो सेंटर लाइन है सबसे फर्स्ट वाला जो है इसके इस वाले डिबेट के सेंटर लाइन से दूसरी वाले रिबेट के जो सेंटर लाइन है इसके जो बीच का डिस्टेंस है जो मिडिल डिस्टेंस है दैट इज द डायगेल पिच यानी कि बिकर्ण पिच ठीक है डायगेल पिच को हिंदी में बिकर्ण पिच कहते हैं और बैक पिच को क्या पर्श पिच कहते हैं ठीक है द नेक्स्ट इज आवर मार्जिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवेट्स ज्वाइन करने के लिए ये चार टर्म जो है हमारा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज पिच ये हिंदी में भी पिच को पीछे कहते हैं डायगेल पिच यानी कि विकर्ण पिच बैक पिच यानी कि पर्स पिच और मार्जिन यानी कि सीमा मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है इट इज मिनिमम इट इज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट कोर ऑफ प्लेट अप टू रिवेट्स ऑफ सेंटर ठीक है इट इट इज डिनोटेड बाई एम ये एम से डिनोट किया जाता है एंड इट्स वैल्यू इज जनरली वन पॉइंट फाइव इंटू डी अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ क्या है ये जो हमने एक ज्वाइंट दिखा है यहाँ पे देखिए आप इस वाले प्लेट में दो रिबेट लगा रखी मैंने अब ये जो प्लेट है इस वाले प्लेट की सेंटर लाइन से जो नियरेस्ट जो कोर है देखिए यहाँ पे बता रखा था कि इट इज मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द नियरेस्ट प्लेट ये जो प्लेट है इसके प्लेट की जो यहां से यहां तक की जो नियरेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिनोटेड बाय एम दैट इज आल्सो कॉल्ड मार्जिन इसे मार्जिन बोलते हैं और यहां से यहां तक की मतलब इसके रिवेट के सेंटर लाइन से इस वाले कोर का एंड तक की जो डिस्टेंस है इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम और इसका जो स्टैंडर्ड डाय होता है स्टैंडर्ड एम इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव इन डी होता है मार्जिन में ठीक है देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख रखा है हिंदी में भी देखिए मैंने जो कही है उसे हिंदी में ये सेम टू सेम है ठीक है आप लोग यहाँ से देख लेना ठीक है हिंदी का भी देखिए मैंने पिच को पिच ही बताई विकर्ण पिच यानी कि डायगोनल पिच पर्स पिच यानी कि बैक पिच और सीमा यानी कि मार्जिन ठीक है पूरा हिंदी में भी है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसके बाद दैट इज आवर काउलिंग एंड फ्लडिंग ठीक है किसे कहते हैं काउलिंग देखिए आफ्टर पुटिंग रिवेट इन मेटल शीट इन एंड मेकिंग रिवेट हेड सम स्पेस लेफ्ट रिमेन बिटवीन मेटल शीट एट रिवेट हेड क्या कह रहे हैं दो रिवेट जब हम दो प्लेट को सेटअप करते हैं कावलिंग में हम क्या करते हैं देखिए दो प्लेट ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है दो प्लेट को जब हम सेटअप करते हैं दो प्लेट को सेटअप करने के बाद कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हमारा क्या गैप रह जाता है, है ना गैप रहने की एक चांसेस हो जाता है उसी गैप से जब हम बॉयलर रिवेटिंग करेंगे उसी गैप से क्या हो जाता है स्टीम जो स्टीम्स बाहर आ सकता है है ना हमारे जो पानी है पानी भी बाहर आ सकता है तो हम क्या करते हैं हम हमेशा जो हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा जो स्टीम्स है वो स्टीम्स क्या हो जाता है वो बाहर आ सकता है उस स्टीम्स को रोकने के लिए यानी कि भाप को और भाप रोधी और जल रोधी जल रोधी करने के लिए जोर को स्ट्रांग बनाने के लिए हम क्या करते हैं क्लॉकिंग एंड फ्लरिंग करते हैं ठीक है हिंदी में क्लॉकिंग clock, को कहते हैं हैं और uh, full को कहते ठीक है तो हम जो यूज करते हैं उसका देखिए मैं आप क्लॉकिंग के बारे में आपको बताऊंगी क्लॉकिंग देखिए क्या है इन दिस इन दिस अकॉर्डिंग टू फिगर फिगर के अनुसार रिवेट हेड एंड कॉर्नर ऑफ प्लेट्स आर प्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ क्लॉकिंग टूल्स क्या कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं एक प्लेट्स को दूसरे प्लेट्स के ऊपर लगाने के बाद हैमरिंग के हिसाब से हैमर करके हम क्या करते हैं उसे एडजस्ट करते हैं सो द लीकेज फॉर अ कुड नॉट ऑकर तो फिर क्या हो जाएगा फिर कोई सा भी लीकेज नहीं होने का क्लॉकिंग टूल्स इज अ चीजल टाइप टूल्स इन विच वन एंड रिमेन्स फ्लैट ये देखने में देखिए ये क्लॉकिंग टूल्स है ये देखिए इसका जो एक एंड है ये थोड़ा सा फ्लैट होता है और दूसरा एंड थोड़ा सा शार्ट होता है है ना इसे हम चीजल टाइप देखने में होता है ये दिस प्रोसेस इज टू कॉम्प्लिकेटेड ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है इसके लिए स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होते है इस प्रोसेस को करने के लिए ठीक है नहीं तो ये परमानेंटली क्लोज हो जाएगा है अब मैं आपको ये जो डाय डा, मैंने जो आपको यहाँ पे दे रखा है ड्राइंग तो उस ड्राइंग के मुकाबले मैं आपको बताऊंगी कि क्लॉकिंग क्या है देखिए फिर आपको और थोड़ा सा आसान हो जाएगा ठीक है देखिए मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग दे रखा है ये एक प्लेट है हमारा ये एक दूसरा प्लेट है ठीक है एक प्लेट और दूसरे प्लेट के ऊपर रखने के बाद देखिए हमने यहाँ पे रिवेटिंग कर दिया रिवेटिंग करने के बाद ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन से एक बार चांस होता है एक आधा बार के यहाँ से थोड़ा सा बॉयलर uh, 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 क्या बोलते हैं ब्रॉयर रिवेटिंग के टाइम पे होता है कि यहाँ से थोड़ा सा स्टीम्स निकल जाए या थोड़ा पानी निकल जाए तो इसे हमें रोध करने के लिए हम क्या करते हैं क्लॉकिंग टूल्स का यूज करता है अब ये जो क्लॉकिंग टूल से देखिए ये 80 डिग्री एंगल्स पे हम क्या करते हैं इसे यहाँ पे रखने के बाद हैमर से इसके पीछे से हैमर से इसे थोड़ा सा प्रेशर देके इसमें एडजस्ट करा देते हैं तो क्या हो जाता है वो एयर टाइट हो जाता है एक दूसरे के ऊपर रखने से जो गैपिंग है थोड़ा सा उसमें अगर थोड़ा सा मैं रोद लगा देती हूँ तो वो क्या हो जाता है वो थोड़ा सा पूरा प्रोटेक्ट हो जाता है प्रोटेक्ट होने के बाद वहां से कुछ भी लीकेज होने का टेंशन नहीं होता ठीक है देखिए यहां पे भी मैंने किया ये करते दोनों जगह पे ही है एक तो रिवेट जहां पे प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है एक वहां पे करते हैं और जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है वहां लगाते हैं तो देखिए क्लियर हो गया आपका क्लॉकिंग का जो भी कॉन्सेप्ट था नेक्स्ट है हमारा फ्लरिंग फ्लरिंग किसे कहते हैं फुलरिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट लाइक क्लॉकिंग ये भी क्लॉकिंग की तरह ही है बट दिस इज कैरिड आउट एटर एंड ऑफ प्लेट ओनली फ्ल फिंग टिक फॉर दिस मेथड ठीक है नेक्स्ट क्या विच वन एंड रिमेन्स इक्वल टू प्लेट थिकनेस विच रिमेन्स टेपर अप्रॉक्स एटी डिग्री एंगल एज सोन इन फिगर क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिये फुलरिंग flur, के बारे में फुलरिंग भी बिल्कुल ही क्लॉकिंग के तरह ही है लेकिन इसमें बस एक ही डिफरेंस है आपको तो मैं ड्राइंग से भी समझाऊंगी एक ही डिफरेंस है क्या है कि इसका जो टैपर एंड है प्लेट का जो टैपर एंड है हम फ्लॉक फुलरिंग के लिए जो टूल्स यूज करते हैं प्लेट्स के पूरा जो डायमीटर है पूरा जो हमारा प्लेट का डिस्टेंस है प्लेट के डिस्टेंस के अनुसार ही लेते हैं ठीक है ये मेथड जो है ये देखो पूरा प्लेट को टच करके रखता है और क्या है इसका जो थिकनेस है प्लेट का थिकनेस के अनुसार ही फुलरिंग के जो टूल्स है उसके थिकनेस बराबर होता है ठीक है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिमेन स्टेपर ये जो एंगल्स है इसका जो एंगल्स है देखो ये जो थोड़ा सा हम एंगल्स में दिखा रखा है यानी कि ये थोड़ा एंगल में ऐसे करके पुट अप करता है ना ऐसे ये जो एंगल्स है एंगल्स होता है एट्टी डिग्री ठीक है अब देखिए मैं अब दोनों फुलरिंग और क्लॉकरिंग क्लॉकिंग में दोनों को आपको दिखा रही हूं आपको ड्राइंग से समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए क्लॉकिंग के टाइम पे हमारा क्या है रिवेट और प्लेट के बीच में हम क्लॉकिंग करते हैं और फुलरिंग में हम क्या करते हैं देखो बस बेसिकली एक ही डिफरेंस है दोनों में वैसे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है फुलरिंग में हम क्या करते हैं ये जो हमारा प्लेट है प्लेट के जितना थिकनेस है फुलरिंग टूल्स के थिकनेस इक्वल होता है दोनों में इक्वल होने के बाद 80 डिग्री एंगल में हम उसे हैमरिंग करके पीछे से हैमरिंग करके इसमें प्लेस कराते हैं ठीक है दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ क्लॉकिंग एंड फ्लरिंग और कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों लगभग सेम ही है अब देखिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी नोट्स बना के रख दिया हिंदी में भी देखिए मैंने सेम ड्राइंग करके दिखाई काकन और फुलरन का क्लॉकिंग एंड फुलरिंग का देखिए यहाँ पे भी मैंने पूरा जैसे इंग्लिश में है लिखा हुआ हिंदी में भी देखिए सेम मैंने लिखा हुआ आपको लोगों के लिए रख दिया ताकि आप लोगों के सुविधा हो ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो आज के टॉपिक हमारा जो भी था ये क्लॉकिंग एंड फुलरिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ यूज रिवेट्स यूज यूज इन रिवेट्स यही था आज का टॉपिक थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ऑल्सो शेयर एंड लाइक And uh, also, I will uh, say that also try to subscribe. Okay, thank you.